हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेबी फिजिक्स। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है। 99% चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के, चाहे इसकी थ्योरी हो, चाहे इसके डेरिवेशन हो या फॉर्मूला हो या फिर इसके डायग्राम और न्यूमेरिकल्स हो, तो कहीं से भी क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पहला ही टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर पहला है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, यहां से एप्लीकेशन भी आती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन, लॉ एंड डेरिवेशन दोनों चीजें, डेरिवेशन। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, दो लॉ दिए थे किरचॉफ ने। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जिसको हम बोलते हैं लूप रूल, ठीक है, और सेकंड लॉ है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। तो दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से भी काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिक्स एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, यहां तक हम करा चुके हैं। देखिए, जो पिछली वीडियो अपलोड है चैनल पर, उन वीडियोस में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये छह के छह टॉपिक्स सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम है, ओम्स लॉ इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, किरचॉफ्स लॉ मिल जाएंगे दोनों, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा, बायो सेवर्ट लॉ इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, और एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप उन वीडियोस में से इन टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस पे जाओ, हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है चैप्टर वाइज। तो तीनों चैप्टर की जो पहले पढ़ा चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट भी है, और चौथा चैप्टर अभी चल रहा है हमारा। ठीक है, तो उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देखकर इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आगे के टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर फोर से आगे के भी इम्पोर्टेंट है, उनमें आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसको हम अलग से करा देंगे टॉपिक को। ठीक है, तो नंबर सेवन जो हमारे पास टॉपिक है यहां पर वो है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जांपल्स देखने हैं और इसकी डेफिनेशन देखनी है अच्छे से डिटेल में। नंबर एट टॉपिक है हमारा एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट है। इसके बाद नंबर नाइन टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ दिए थे फैराडे ने, दोनों के दोनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही लॉ आपको अच्छे से देखने हैं। और इसके बाद हमारा जो टेंथ टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझना है। जैसे गामा रेज हो गई,
ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, रेडियो वेव्स हो गई, उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। बीच में और भी बहुत सारी वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं और विजिबल लाइट है, ठीक है, ये सब है। देखिए अगला टॉपिक जो 11th टॉपिक है ये है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ठीक है, जो हमारा ऑप्टिक्स वाला सेक्शन है, रे ऑप्टिक्स वाला, उसमें काफी यूजफुल है ये वाला फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसके बाद 12 फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए, स्फेरिकल कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस। दो थिन लेंसेस के लिए जो कंबाइंड फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला बनता है वो। इसके बाद 13 जो 13 टॉपिक है हमारा वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। और साथ ही साथ इसमें जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन की है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन की, वो भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, तो हाइजेंस प्रिंसिपल। नंबर 14 टॉपिक हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत बार आ चुका है पहले भी, ठीक है, तो इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नंबर 15 जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉज, और इसके लो, इट्स लॉज, इसके लो, ठीक है। नंबर 16 है वो भी इसी से रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, आइंस्टीन इक्वेशन। देन नेक्स्ट 17 जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है। 17 हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो बोहर ने जो मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए वो, ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी थी बोहर मॉडल की, जो बोहर ने दी थी उसमें, वो सबसे अच्छी थ्योरी मानी गई थी, सबसे बाद में आई थी ये, और इन्होंने जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी उसको भी दूर किया था इन्होंने, ठीक है। हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने, तीन हाइपोथेसिस दी थी, उन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले भी अच्छे से पढ़ने हैं। नंबर 18 न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो ये दो रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर फिजन होती है, और इनसे रिलेटेड जो चैन रिएक्शन है वो भी अच्छे से क्लियर कर लेनी है। इसके बाद 19 जो टॉपिक है हमारे पास वो है एन टाइप एंड पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 20 हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इनमें से भी चांसेस हैं पूरे किसी एक क्वेश्चन के आने के, या तो हाफ वेव या फुल वेव। इसके बाद 21 एक टॉपिक ये और कर लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड और इससे रिलेटेड
एक टर्म आती है डिप्लीशन लेयर एंड डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, ये भी क्लियर कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको भी कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।